और रायपुर से बड़ी खबर आपको दे दें, सीएम भूपेश बघेल के आज कई दौरे हैं। जी हां, रायपुर, धमतरी और राजनांदगांव के दौरे पर है सीएम भूपेश बघेल। इंडोर स्टेडियम में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे। इसके बाद धमतरी में कर्णेश्वर मेला महोत्सव में भी सीएम शामिल होंगे। डोंगरगढ़ में लोक मड़ई और कृषि मेले का शुभारंभ सीएम करेंगे। तो ये तीन जिलों के दौरे पर है सीएम भूपेश बघेल। मेले का शुभारंभ, कृषि मेला यहां पर होना है, डोंगरगढ़ में इसका शुभारंभ करेंगे और डोंगरगढ़ में ही लोक मड़ई मेला भी शुरू होने वाला है, जिसका शुभारंभ सीएम भूपेश बघेल करेंगे। इसके अलावा इंडोर स्टेडियम में सामूहिक विवाह कार्यक्रम होना है, जिसमें सीएम शिरकत करेंगे। तो सीएम भूपेश बघेल के ये दौरे हैं, आज तीन जिलों के दौरे पर है, कई महत्वपूर्ण यहाँ पर कार्यक्रम होने हैं। बता दें, सामूहिक विवाह कार्यक्रम होने हैं जिसमें सीएम शिरकत करेंगे और कर्णेश्वर मेला महोत्सव में भी सीएम शामिल होंगे। लोक मड़ई और कृषि मेले का शुभारंभ डोंगरगढ़ में सीएम भूपेश बघेल करेंगे। धमतरी, रायपुर और राजनांदगांव जिले के दौरे पर है सीएम भूपेश बघेल। यहां अलग अलग कार्यक्रम होने हैं जिसमें सीएम शिरकत करेंगे। कृषि मेले का शुभारंभ डोंगरगढ़ में करेंगे, तो वहीं सामूहिक विवाह सम्मेलन होना है जिसमें सीएम शामिल होंगे। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रवि मिरी लाइव बने हुए हैं। रवि, सीएम भूपेश बघेल आज तीन जिलों के दौरे पर है, धमतरी जाएंगे, रायपुर में भी और राजनांदगांव, ये तीन जिलों के दौरे पर है, क्या क्या कार्यक्रम होने हैं जिसमें सीएम शिरकत करेंगे? जी रवि, आप हमें सुन पा रहे हैं? कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शिरकत करेंगे, जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का अन्य दो और जिलों में भी कार्यक्रम रखा गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कार्यक्रम आज धमतरी और राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में कृषि मड़ाई मेला के कार्यक्रम की शुरुआत आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करने जा रहे हैं। मैं आपको कार्यक्रम आज निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जानकारी देना चाहूंगा कि आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी रायपुर में 12:15 में इंडोर स्टेडियम पहुंचेंगे और वहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां पर नवविवाहित कन्याओं को, वर वधु को यहां पर आशीर्वाद देंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश भर के अन्य जिलों में भी आज कार्यक्रम रखे गए हैं, जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह के तहत उन सभी का विवाह कराया जा रहा है, उन सभी का वर वधुओं को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आशीर्वाद देंगे और अन्य जिलों के सभी वर वधुओं से जुड़ने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल डिजिटल माध्यम से उन सभी से जुड़ेंगे और सभी से चर्चा करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 1 बजे रायपुर हेलीपैड से रवाना होकर धमतरी जिले जाएंगे। धमतरी के सिहावा क्षेत्र में एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें कर्णेश्वर मेला महोत्सव का कार्यक्रम धमतरी में रखा गया है। उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज शामिल होंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीधे राजनांदगांव के लिए रवाना होंगे। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ में लाल बहादुर नगर के प्रस्थान करेंगे। उसके बाद वहां पर 3:35 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का लोक मड़ाई और कृषि मेला का 2 दिवसीय कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुरुआत करेंगे और निश्चित रूप से आज जिस प्रकार से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कार्यक्रम रखा गया है, तीन जिलों का कार्यक्रम है, इसमें विशेष रूप से राजधानी रायपुर में उनकी उपस्थिति रहेगी, जिसमें आपको मैं बताना चाहूंगा कि 200 से अधिक जोड़ों का आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पर आशीर्वाद देंगे, कन्यादान उनका करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इससे पहले भी महिला बाल विकास विभाग के द्वारा किए गए पिछले साल मुख्यमंत्री कन्या विवाह के कार्यक्रम में भी शामिल हो चुके हैं और इस बार दूसरा कार्यक्रम इस बार रखा गया है। इस दौरान राजधानी रायपुर में करीबन 221 लोगों का आज विवाह कराया जाएगा। इसके अलावा अन्य जिलों में भी ऐसे ही आंकड़े सामने निकल कर आए हैं और आज शाम तक यह पता चल जाएगा कि प्रदेश भर में कितनों लोगों का एक दिन में ही विवाह कराया जाएगा, यह भी एक बड़ा रिकॉर्ड बनते हुए नजर आएगा।
चलिए शुक्रिया रवि हमसे जुड़ने के लिए। तो आज तीन जिलों के दौरे पर है सीएम भूपेश बघेल, सामूहिक विवाह कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। राजनांदगांव जाएंगे, डोंगरगढ़ जाएंगे और ये भी आपको बता दें रायपुर में भी कार्यक्रम होने हैं जिसमें सीएम शिरकत करेंगे। तो रायपुर, धमतरी और राजनांदगांव जिले के दौरे पर है सीएम भूपेश बघेल। डोंगरगढ़ में लोक मड़ई और कृषि मेले का शुभारंभ सीएम करेंगे। We'll be right back.